इस वेले दी वड्डी खबर पठानकोट तो आ रही है जिथे मीरथल इलाके दे विच फौजी जवान ने अपने ही साथियों उत्ते गोलियां चला के दो नू कतल कर दिता। जानकारी मुताबक दो हवलदारां नू सिपाही वल्लों गोली मारी गई है जिन्हां दी आपस च किसी गल नू लै के कहा सुनी हो गई सी अते गुस्से च आए सिपाही ने सारे कारे नू अंजाम दे दिता। फिलहाल मुलजम फरार हो चुके हैं, पुलिस वालों परचा दर्ज करके उसकी भाल शुरू कर दी गई है। मरण वाले च एक महाराष्ट्र ते दूजा पछमी बंगाल का दसया जा रहा है अते मरण वाला मुलजम छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। मृतकों की लाशा नू पठानकोट के सिविल हस्पताल च पोस्टमार्टम लई लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले बारे कोई भी जानकारी नहीं दे रही। सो एक बार फिर दस दिए कि इस वेले की वड्डी खबर पठानकोट के मीरथल इलाके दे विचों आ रही है। इस वेले दी वड्डी खबर पठानकोट तो आ रही है जिथे मीरथल इलाके दे विच फौजी जवान ने अपने ही साथियों उत्ते गोलियां चला के दो नू कतल कर दिता। जानकारी मुताबक दो हवलदारां नू सिपाही वल्लों गोली मारी गई है जिन्हां दी आपस च किसी गल नू लै के कहा सुनी हो गई सी अते गुस्से च आए सिपाही ने सारे कारे नू अंजाम दे दिता। फिलहाल मुलजम फरार हो चुके हैं अते पुलिस वल्लों परचा दर्ज करके उसकी भाल शुरू कर दी गई है। मरण वाले च एक महाराष्ट्र ते दूजा पछमी बंगाल का दसया जा रहा है अते मरण वाला मुलजम छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। मृतकों की लाशा नू पठानकोट के सिविल हस्पताल च पोस्टमार्टम लई लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले बारे कोई भी जानकारी नहीं दे रही। सो एक बार फिर दस दिए कि इस वेले की वड्डी खबर पठानकोट के मीरथल इलाके दे विचों आ रही है। हकीकत टीवी पंजाबी लई पठानकोट तो अवतार सिंह की रिपोर्ट।